तो गाइस जैसे कि आप सभी को याद होगा कि पार्ट 4 में पेनीवाइज गिदोरा का अंडा लेके अपने साथ चले जाता है और हम रेगिस्तान में भटकते भटकते एक छोटे से गांव में जाके पहुंचते हैं, जहां पर मैं हल्क को बोलता हूं जाने के लिए ताकि वो आयरन मैन को जाके सब कुछ बता दे। और यहां पर हम गांव वाले से मदद मांगने जाते हैं, पर वो उल्टा हमें चोर समझ के बंदी बना लेते हैं और वो हमें अपने राजा के पास लेके जाते हैं, जहां पर राजा मेरे सामने शर्त रखता है कि मैं उनके योद्धाओं को हराऊं ताकि मैं शिनचैन को बचा सकूं। आयरन मैन को जैसे ये बात पता चलती है, आयरन मैन तुरंत वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ पेनीवाइज का बॉस उससे बहुत ही ज्यादा खुश होता है और तुरंत विधि शुरू करने के लिए कहता है, पर विधि शुरू करने के लिए 3 ड्रैगन की जरूरत पड़ती है, जिसे ढूंढने के लिए अभी हम सब लोग जाने वाले हैं। तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, पता नहीं ये पेनीवाइज आगे क्या करने वाला है। पक्का इस पेनीवाइज के पीछे किसी ना किसी का तो हाथ है, नहीं तो ये इतना नहीं उछलता। हमें तो पता भी नहीं है कि 3 ड्रैगन कहां पर है। अरे फ्रैंकलिन भैया, इसे चक्कर क्यों काट रहे हो? आपको देख के मुझे भी चक्कर आ जाएंगे। फ्रैंकलिन, इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि वो 3 ड्रैगन कहां पर है। हमें बस भूतिया पार्टी से पहले वहां पर पहुंचना होगा। अरे पर हमें नहीं पता वो 3 ड्रैगन कितने खतरनाक होंगे। थॉर, वो ड्रैगन खतरनाक नहीं है, देवताओं ने उन 3 ड्रैगन को इसलिए बनाया था ताकि वो गिदोरा को जगा सके। पर जैसे उन्हें पता चला कि गिदोरा सृष्टि का विनाश कर सकता है, तो उन्होंने उन ड्रैगन्स को अलग अलग जगह पे भेज दिया ताकि वो ड्रैगन किसी के हाथ ना लग सके। अरे पर अगर उनके हाथ में वो 3 ड्रैगन लग गए तो हमको तो ये भी नहीं पता कि हम कामयाब होंगे भी या नहीं। अरे आप टेंशन मत लो, हम करके दिखाएंगे, वैसे भी हम पेनीवाइज की टीम से ज्यादा ताकतवर है। होप करता हूं भाई यही हो। तो गाइस यार आप लोग भी लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे। फ्रैंकलिन, हमें अभी के अभी निकलना पड़ेगा इससे पहले कि काफी देर हो जाए, तो सब लोग अपने अपने टीम में बट जाओ। तो गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग 3 टीम में जाने वाले हैं ड्रैगन्स को ढूंढने के लिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी ड्रैगन्स को ढूंढ सके। टीम ए जाएगी आइस ड्रैगन को ढूंढने के लिए, जिसमें मैं और आयरन मैन होंगे। टीम 2 जाएगी नेचर ड्रैगन को ढूंढने के लिए, जिसमें थॉर और वांडा है। और टीम 3 जाएगी न्यूक्लियर ड्रैगन को ढूंढने के लिए, जिसमें होंगे हल्क और शिनचैन। तो यार तुम लोग तैयार हो? क्योंकि हमें भूतिया पार्टी से पहले वहां पर पहुंचना होगा, नहीं तो सबका सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे हमें दम, हम किसी से नहीं कम। थॉर, वांडा, शिनचैन और हल्क, याद रखना कि ये मामला बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो भूतिया पार्टी जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो अपना अपना ध्यान रखना। अरे फ्रैंकलिन तुम टेंशन मत लो, हम लोग कर लेंगे। तो फिर हम भी यहाँ से निकलते हैं। हाँ हाँ फ्रैंकलिन जल्दी से चलो। तो गाइज निकलते हैं फटाफट, अब हमारे भी निकलने का समय हो चुका है। हल्क मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, शिनचैन का ध्यान रखना क्योंकि आगे बहुत रुकावटें आ सकती है। हल्क सब संभाल लेगा, हल्क बहुत स्ट्रांग, मुझे तुम पे पूरा भरोसा हल्क। अरे थॉर जल्दी से चलो, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ वांडा जल्दी से चलो, आ जाओ। अब हम भी चलते हैं, सब लोग जा चुके हैं शिनचैन। अरे पर हम कैसे जाएंगे, हमें तो किसी ने गाड़ी भी नहीं दी। हल्के होते हुए गाड़ी की क्या जरूरत। अरे वह क्या बात है, आज मैं पहली बार हल्की राइड करूंगा। संभाल के बैठना शिनचैन, ये हम चले। तुम सबको पता है कि क्या करना है, बस हमको निराश मत करना। हम आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे, बस हम पे आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अले पल मेरे मन में एक डाउट है, अगर हम लोग नहीं कर पाए तो? ये तुम क्या बोल रहे हो मूर्ख, हमारे आहार की कोई माफी नहीं है। बस आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा, अगर इन लोग से कोई भूल हुई तो मैं खुद इन्हें सजा दूंगा। तो जाओ और दिखा दो कि काली शक्तियाँ ही दुनिया पे राज करेगी और सबको हमारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। जी बॉस, फिर हम लोग चलते हैं। जीत के ही आना, शैतान अमर रहे। शैतान अमर रहे। और तुम जाके उन अवेंजर को देखो, क्योंकि हमें इन तीनों पे पूरा भरोसा नहीं है। जी मालिक, आपका हुक्म सर आंखों पर, हमें आज्ञा दो, जाओ और खत्म कर दो सबको। शैतान अमर रहे, शैतान अमर रहे। वाह क्या बात है, आखिर में मैं पहुंच ही गया। मुझे लगता है ये अवेंजर भी पहुंचने वाले होंगे, पर वो ड्रैगन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि यहाँ का रक्षक ही उन्हें रोक लेगा। जल्दी से जाता हूँ और उस रक्षक को अपने कब्जे में कर लेता हूँ, ताकि जो भी मेरे रुकावट का रास्ता बने वो मारा जाए। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर तुम्हें ताकत देने आया हूँ। पर तुम मुझे ताकत क्यों दोगे? ताकि तुम उन सबको मार दो जो मेरे और ड्रैगन के बीच की रुकावट बने। ये तुम्हारी भूल है, ना ही वो ड्रैगन को हासिल कर सकते हैं ना ही तुम। मैं किसी को ऐसा करने नहीं दूंगा। पर तुम अभी मेरे गुलाम हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा जरूर होगा, हे काली शक्तियों के देवता, मुझे इसे अपने वश में करने की ताकत दो, ताकि ये भी आपके प्लान को कामयाब कराने में मेरी मदद कर सके। जी मालिक बताइए क्या हुक्म है। तुम बस यहाँ पर मेरे सिवा जो भी आए उन्हें मार देना, मेरे सिवा ड्रैगन तक कोई नहीं पहुँचना चाहिए। अब तो कोई नहीं पहुँचेगा मालिक, मैं किसी को ऐसा करने नहीं दूंगा। अब जल्दी से जाके उस ड्रैगन को अपने कब्जे में कर लेता हूँ, ताकि बॉस मुझसे खुश हो जाए।
अबे यार कितना दूर है, पता नहीं कब पहुंचेंगे। फ्रैंकलिन मुझे लगता है हम पहुंचने ही वाले हैं। तैयार रहना क्योंकि अगर पेनीवाइज हमसे पहले पहुंच गया होगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। अब तो जो होगा ना देखा जाएगा। तो गाइज यार आप लोग भी फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आगे का एडवेंचर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस कैसे भी करके वो ड्रैगन हमारे हाथ में लग जाए, उसके बाद सबसे पहले जाके वो गिदोरा का अंडा ले आएंगे, क्योंकि जब तक वो पेनीवाइज के हाथ में रहेगा हमारे लिए मुश्किल बढ़ते ही रहेगी। मुझे तो बस है ना इस पेनीवाइज को मजा चकाना है, इस बार तो उसने सारी की सारी हदें पार कर दी है। फ्रैंकलिन मुझे लगता है यही वाला रास्ता है, सीधे चलाते रहो। अबे यार एक तो इतनी ज्यादा बर्फ पड़ रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम दोनों इधर ही लटक जाएंगे। तुम सही कह रहे हो, थोड़ा आगे जाने के बाद हम गाड़ी वहीं पे रोक देंगे और वहां से आगे हम पैदल जाएंगे। अच्छा ठीक है तो फिर जल्दी से चलते हैं। अरे यहीं पर रुको, सामने कोई तो है। मुझे लगता है ना इसको पता होगा कि ड्रैगन कहां पर है, इसको ही जाके पूछते हैं। संभल के जाना क्योंकि अभी तक हमें इस जगह का कुछ भी नहीं पता। तुम यहां पर क्या करने आए हो? दरअसल हम लोग यहां पर वो आइस ड्रैगन को ढूंढने आए। वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, उस पे सिर्फ मेरे मालिक का हक है। तुम तो मुझे यहाँ के रक्षक लगते हो, तुम्हारा मालिक कौन हो सकता है? मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं देने वाला, मैं सिर्फ मेरे मालिक का गुलाम हूँ। फ्रैंकलिन मुझे लगता है पेनीवाइज यहाँ पर हमसे पहले पहुँच गया और उसने आते ही इसे अपने कब्जे में कर लिया। अबे यार ये क्या मुसीबत है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसे हराए बिना हम आगे नहीं जा सकते। अबे यार जरा इस कांटे वाले भालू को देखो तो सही, इसको मैं कैसे हराऊंगा? फ्रैंकलिन तुम पीछे हट जाओ, इसे तो मैं देख लूंगा। तो गाइज अगर आप लोग चाहते हो कि टोनी इस मॉन्स्टर को हराए तो जल्दी से लाइक कर दो। तुम बस खुद को बचाए रखना क्योंकि ये फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो गाइज यार जल्दी से जाके कहीं पे छुप जाते हैं। मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता पर अब तुम पे शैतान का कब्जा है। अब ये कहां पर चला गया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम तो गए मेरे हाथ से। गाइज यार ये रक्षक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और यार ये क्या हो रहा है? टोनी फिलहाल बचने पे ध्यान दे। फ्रैंकलिन तुम टेंशन मत लो, मैं इसे हरा के ही मानूंगा। ये ले मेरी लेजर, मेरे लिए वो ड्रैगन बहुत ज्यादा जरूरी है, जो भी उसके बीच में आएगा मारा जाएगा। अबे यार गाइज ये मॉन्स्टर क्या इधर से उधर होते ही जा रहा है? एक तो इसके हाथ में ब्लेड इतनी खतरनाक है ना, मुझे लगता तो ऐसे नहीं मानेगा। ये ले गाइज यार आयरन मैन अपनी पूरी पावर यूज कर रहा है पर इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मुझे लगता है मुझे भी उसकी मदद करनी पड़ेगी। फ्रैंकलिन तुम ये क्या कर रहे हो? अरे मैं इसको मिसाइल से मारने की ट्राई कर रहा हूँ ताकि इसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो और तुम इसे मार पाओ। ऐसा मत करो, तुम्हें खतरा हो सकता है, तुमको कुछ हो गया तो वैसे भी खतरा ही है ना। अरे यार ये क्या हो गया, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये तो गया मेरे हाथ से। अबे यार मैं इसको मारने आया था, ये तो मेरे को ही मार रहा है। ये क्या हो गया फ्रैंकलिन को, अब तो ये मेरे हाथ से गया। ये ले तुम्हें पता नहीं तुमने किससे पंगा लिया है। अबे यार पता नहीं कौन से मिट्टी का बना, इसको तो कुछ होता ही नहीं है। तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम्हें तो मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा। गाइस यार ये तो मारते ही जा रहा है, ये तुम्हारा अंत है और ये तुम्हारी गलतफहमी, तुम्हारे तो मैं टुकड़े कर दूंगा। गाइस यार बस एक बार इसके हाथ से बच जाए फिर इसको बताता हूँ, अब ये मेरे हाथ से नहीं बचेगा। ये ले, वाह यार गाइस क्या उड़ के गया, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। एक बार अपनी पूरी ताकत लगा देता हूँ, मुझे लगता है मैंने इसे बेहोश कर दिया है, इसे हराना तो बहुत ही मुश्किल था। जल्दी से जाता हूँ फ्रैंकलिन के पास, पता नहीं उसको क्या हो गया है। गाइस मुझे लगता है कि फ्रैंकलिन बेहोश हो गया है। फ्रैंकलिन जल्दी से उठो, ये वक्त हार मारने का नहीं है। भाई साहब यार क्या जोर की लगी थी, अबे वो कहां पर गया, हार गया क्या? वो हारा नहीं है, खाली बेहोश हुआ है। इससे पहले कि वो वापस से जाग जाए हमें फटाफट से ड्रैगन के पास जाना होगा। तो फिर चलते हैं फटाफट ड्रैगन के पास, जल्दी भागो फ्रैंकलिन। बस यार पहुंचने ही वाले हैं, तो गाइस फटाफट से अंदर जाते हैं। गाइस यार मुझे लगता है मुझे ड्रैगन दिख चुका है। फ्रैंकलिन फटाफट, मुझे लगता है ड्रैगन हमारे सामने ही है। अरे ये तो पेनीवाइज है। आओ आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अरे पर तुम हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे? ताकि मैं इस ड्रैगन को तुम्हारे आंखों के सामने से लेके जाऊं और तुम कुछ ना कर पाओ, मैं तुम्हारी लाचारी देखना चाहता हूँ। तुझे तो है ना मैं एक दिन छोड़ूंगा नहीं। छोड़ना बाद में, पहले पकड़ के तो दिखा। एक बार बस हाथ में आ जा फिर बताता हूँ तुझे। पेनीवाइज उस ड्रैगन को छोड़ दो, तुम्हें नहीं पता तुम कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रहे हो। अगर गिदोरा जाग गया तो कोई नहीं बचेगा। यही तो मैं चाहता हूँ, शैतान की जय हो। अबे यार ये तो वापस से गायब हो गया। फ्रैंकलिन बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, एक ड्रैगन उनके हाथ लग चुका है, अब सिर्फ दो ड्रैगन बचे हैं, उनमें से पता नहीं अपने हाथ कितने लगेंगे। मैं तो बोलता हूँ यहाँ से निकलते और दूसरों की मदद के लिए पहुँचते, इससे पहले कि पेनीवाइज के हाथ में बाकी के ड्रैगन भी लगे। तुम सही कह रहे हो फ्रैंकलिन, जल्दी से निकलते हैं। तो गाइस यार निकलते यहाँ से फटाफट। अरे ये कहाँ पर लेके आ गए तुम, सामने तो जंगल है। ये खाली जंगल नहीं है, लोग इसे जादुई और खौफनाक जंगल कहते हैं। तो फिर हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं, कहीं और से भी तो जा सकते हैं ना। हमें यहाँ से नहीं जाना, हमें यहाँ पर ही जाना है, क्योंकि वो ड्रैगन यहीं पे रह के जंगल की ताकत बढ़ाता है, वो हमें इसी जंगल में मिलेगा। अरे ये कोहरा तो बढ़ते ही जा रहा है। तुम सही कह रही हो, हमें जल्दी से उस ड्रैगन को ढूंढना पड़ेगा इससे पहले कि रात हो जाए। अरे पर मुझे तो खुद ही डर लग रहा है, कहीं हम इस जंगल में ना भटक जाए। डरो मत वांडा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे मुझे वहाँ पर कोई दिखाई दिया, वहाँ पर कोई तो था। दिखाई तो मुझे भी दिया, मुझे लगता है यहाँ पर एक से ज्यादा जन है। अरे मुझे लगता है ये लोग यहीं पे रहते होंगे, इनसे ही जाके पूछते हैं। अरे ये सब तो मुझे लाशें लग रही है, पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ था। ये सामने जो खड़ा है इससे जाके पूछता हूँ, मुझे लगता है इसको पता होगा। भाई साहब आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था और ये लाशें किसकी है? अरे ये लाशें तो मेरे और मेरे साथियों की है। क्या बात कर रहे
रहे हो? हाँ अभी तुम जिससे बात कर रहे हो वो एक आत्मा है, हमें हमारे शरीर से अलग किया गया। किसने किया ये सब? पता नहीं कोई अजीब सा जीव आया था, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, जो भी उसके सामने आया उसने सबको मार दिया। अरे मुझे लगता है ना पक्का भूतिया पार्टी से कोई होगा। आप हमें बता सकते हो वो किस समय यहाँ पर आया था? अरे वो दिन के समय में आया था। आज तो वो ड्रैगन में लेके ही जाऊंगा, जो भी मेरे बीच में आएगा सबको मार दूंगा। ये ले, आज कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से। जब मालिक को पता चलेगा कि ये काम मैंने अकेले किया तब वो बहुत खुश होंगे। देखता क्या है बे हरे सेंटा क्लॉस, ये ले सबको खत्म कर दूंगा मैं। ये ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अरे दूर हो जाओ उस ड्रैगन से। अच्छा हुआ तूने बोला, नहीं तो मैं तुझे जिंदा ही छोड़ देता। ये ले अब जल्दी से ड्रैगन के पास जाता हूँ। वाह ये ड्रैगन तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। अब ये ड्रैगन उन अवेंजर के बच्चों के हाथ में कभी नहीं लगेगा, इस पे सिर्फ हमारा अधिकार है। शैतान हमेशा अमर रहे। उसके सर पे बहुत सारे भोपू लगे थे और उन भोपुओं के अंदर दांत। अरे वो तो सायरन हेड होगा। हाँ वो सायरन हेड ही है। वो हमारे नेचर ड्रैगन को लेके गया। अगर उस ड्रैगन को जल्दी से यहाँ पर नहीं लाया गया तो ये जंगल अपने आप बर्बाद हो जाएगा और हमारे बाकी के साथियों का घर उजड़ जाएगा। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, भूतिया पार्टी के हाथ में नेचर ड्रैगन लग गया। मुझे जल्दी से ये बात टोनी को बतानी पड़ेगी। अरे हाँ हाँ जल्दी से चलते हैं, पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा होगा। मैं तो बस दुआ कर रहा हूँ कि उनको ड्रैगन मिल गए हो। अरे हल्क हम कब पहुँचेंगे? टोनी ने तो यही पे कहा था पर यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे ये देखो आज तो चांद भी पूरा निकला है, इसका मतलब आज अमावस की रात है। तुम्हें पता है आज की रात बहुत सारे भूत घूमते है। हल्क को बहुत डर लगता भूतों से, हल्क को डराओ मत। अच्छा वैसे हल्क एक बात तो बताओ, तुम कौन से कंपनी की चड्डी पहनते हो? हल्क को पता नहीं। अच्छा फिर अपने चड्डी का साइज तो बताओ। हल्क को वो भी पता नहीं। अरे तो फिर तुम चड्डी खरीदते कैसे हो? हल्क के पास एक ही चड्डी, हल्क वही पहनता हमेशा। वैसे वो ड्रैगन कितना बड़ा होगा? पता नहीं, हल्क ने कभी नहीं देखा। अरे तो फिर तुमको पता क्या है? गाइस आपको क्या लगता है वो ड्रैगन अच्छा होगा कि बुरा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। शिनचैन सामने छोटा भूत। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि अमावस की रात को भूत आते हैं। भाग जाओ भूत, नहीं तो हल्क बहुत मारेगा। मैं कोई भूत नहीं, मेरा नाम तो मैक्स है और मैं यहाँ पर भटकने वाले लोगों की मदद करता हूँ, हम यहाँ के ही रहवासी है। अच्छा इसका मतलब तुम एक टूरिस्ट गाइड हो ना? मैं कोई टूरिस्ट गाइड नहीं, हम जैसे लोग यहाँ पर मदद करने के लिए ही पैदा होते हैं। जैसे जैसे हम लोगों की मदद करते हैं हमारी उम्र बढ़ते जाती है। तुम इतने छोटे कैसे? हल्क का हाथ भी तुमसे बड़ा। हमारी साइज इतनी ही होती है। वैसे तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? अरे हम तो यहाँ पर एक ड्रैगन को लेने आए हैं। कौन सा ड्रैगन? अरे उसका नाम एक न्यूक्लियर ड्रैगन है। तुम उस ड्रैगन का क्या करोगे? वो तो बहुत ही खतरनाक है। अरे हमें दुनिया को बचाने के लिए उस ड्रैगन की जरूरत है, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है हम पे। क्या तुमको पता वो कहाँ मिलेगा? वो ड्रैगन तो अभी अर्थ पे नहीं रहता। अरे तो फिर कहाँ पर रहता है? वो तो मुझे नहीं पता। अरे फिर तुम हमारी मदद कैसे करोगे? और अगर मदद नहीं कर पाए तो तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ेगी और तुम मर जाओगे। मुझे तो नहीं पता पर मैं एक जन को जानता हूँ जिसे पता है, मैं तुम्हें उसके पास लेके जा सकता हूँ, चलो मेरे साथ। अच्छा ठीक है फिर चलो फटाफट। चलो चले मितवा इन ऊंची ऊंची राहों में। अरे तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। और कितना दूर हल्क को गुस्सा आ रहा? अरे ये हरा कलर का भालू तो बहुत गुस्सेल है। मैं भालू नहीं मैं हल्क हूँ। ये देखो हम पहुँचने ही वाले है। अरे यहाँ पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई मिलेगा जो ड्रैगन के बारे में बताएगा। वो तुम्हें इसके अंदर मिलेगा पर इसके आगे मैं नहीं आ सकता, मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने का वादा किया था जो मैंने पूरा कर दिया। अच्छा ठीक है पर तुमसे मिलके अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा, शुक्रिया मेरी उम्र बढ़ाने के लिए, मैं चलता हूँ। अरे मैक्स मिलते रहना। अरे ये तो चला गया, अभी हमें भी अंदर चलना चाहिए, जल्दी से चलो ना हल्क। रुको रुको शिनचैन हल्क भी आ रहा है। आखिर मैं पहुँच ही गया, अब कोई अवेंजर मेरे हाथ से नहीं बचेगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा। अरे पर तुम हो कौन? मैं तुम सबका काल हूँ जो तुम्हारी मौत बन के आया है। चले जाओ नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारा अंत नजदीक है, घुटने टेको हमारे सामने। तुम जैसे लोगों को हराने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। जल्दी ही इस दुनिया पर हमारे बॉस का राज होगा और तुम जैसे लोगों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये सांबर बेसिंग ना भैसा, ज्यादा ना बोला है नहीं तो मारी मारी ने तारो भूको करी दिस मुँह। ये तुम क्या बोल रहे हो? आता रे समझने ऊपर निवाद छे। मुझे लगता है अभी तक तुम्हें काली शक्तियों का अंदेशा नहीं है। अरे हल्क ये तो बहुत ही पुरानी जगह लग रही है, पता नहीं अंदर क्या होगा। जो भी होगा हल्क सब संभाल लेगा। अरे हल्क वो देखो सामने क्या है। अरे ये क्या चमक रहा है? अरे वहाँ पर एक अंकल खड़े है, उनसे जाके पूछते है। हाँ चलो शिनचैन। अरे अंकल आप कौन हो? तुम यहाँ पर आए हो, तुम बताओ तुम कौन हो और यहाँ का रास्ता तुम्हें किसने बताया? अरे हमें तो यहाँ तक मैक्स लेके आया था। ये मैक्स कौन है? ये सब छोड़ो और ये बताओ तुम हमारी मदद करोगे या नहीं? कैसी मदद? अरे यहाँ पर हम एक ड्रैगन को ढूंढने आए हैं जिसका नाम न्यूक्लियर ड्रैगन है। वो ड्रैगन अब इस दुनिया में नहीं रहता। अरे तो फिर कहाँ पर रहते है? हमें वहाँ का एड्रेस दो ना, हम चले जाएंगे। वहाँ का कोई एड्रेस नहीं है क्योंकि वो जगह इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वहाँ पर तुम बिना पोर्टल के नहीं जा सकते जो तुम मेरे पीछे देख रहे हो। अरे मुझे तो लगा था ये सिर्फ एक शोपीस है। ये कोई शोपीस नहीं है, इसे न्यूक्लियर ड्रैगन ने खुद बनाया था ताकि वो ये दुनिया छोड़ के हमेशा के लिए जा सके। अरे हल्क फिर तो हमारा आके कोई मतलब ही नहीं हुआ, वो तो यहाँ से जा चुके हैं। ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारी नियति तुम्हें यहाँ तक लेके आई है तो तुम
जरूर कामयाब होगे। अरे अब ये नियति कौन है, जरा मुझे फोन नंबर तो देना। नियति से मेरा मतलब लड़की नहीं था, तुम अपनी किस्मत समझ लो। तो फिर हमें पोर्टल में जाने दो, मैं यहाँ का रखवाला हूँ और बिना मेरी इजाजत के कोई पोर्टल में नहीं दाखिल हो सकता। अरे तो फिर हमें इजाजत दे दो ना। उसके लिए तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा और अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। अगर तुमने मुझे हरा लिया इसका मतलब ये होगा कि तुम काबिल हो, फिर तुम इस पोर्टल में जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। हल्क लड़ेगा तुमसे। अरे बागा इसके बात है, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। तैयार हो जाओ, ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। आ जाओ, हल्क तैयार है। अरे हल्क बच के वो आ रहा है। हल्क ने देखा ही नहीं, इसलिए बोलता हूँ चारों बाजू ध्यान रखा करो। अब मार खाना बंद करो और जल्दी से उठो। हल्क उठ गया, अब हल्क किसको बताएगा। मेरे पास न्यूक्लियर ड्रैगन की दी हुई शक्तियाँ है, तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। हल्क किसी से नहीं डरता, हल्क सबसे ताकतवर। ये ले, ये भी ले। हल्क तुझे छोड़ेगा नहीं। क्यों लग गई ना वाट, ये ले लात खा। मानना पड़ेगा तुम्हें बहुत ताकत है, पर ये लो तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। अरे हल्क इसकी ताकत तो लाजवाब है, इससे जरा बच के ही रहना। ये लो मेरा सुपर पंच। तुमने हल्क को मारा, हल्क तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अपनी ताकत लगाओ और अपनी काबिलियत साबित करो। एक बार उठने दो, हल्क तुम्हें बताता है। ये लो, तुम तो गए मेरे हाथ से, तुम अभी हल्क की ताकत जानते नहीं हो। अरे वाह हल्क, क्या बात है, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हल्क हमेशा कमाल करता, हल्क इसकी पुंगी बजा देगा। तुम्हें इतनी ताकत अचानक कैसे आ गई। हल्क को गुस्सा आता, हल्क की पावर बढ़ती। इसका मतलब तुम कोई आम इंसान नहीं हो। अरे हमारा हल्क तो एक सुपर हीरो है, सुपर हीरो। हाँ तो देखो तुम्हारा सुपर हीरो कैसे मार खाता है। ये लो ये लो। हल्क को और गुस्सा आ रहा, हल्क की ताकत और बढ़ रही, हल्क से कंट्रोल नहीं हो रहा, हल्क बहुत मारेगा। ये ले ये ले। अरे इसकी पावर तो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, देखते हैं तुम कितने काबिल हो, मुझे हरा पाते हो या नहीं। हल्क किसी को भी हरा सकता, हल्क में बहुत पावर। अरे हल्क मैं तो बोलता हूँ घुमा घुमा के फेंको, इसकी तो सारी हड्डियाँ तोड़ देना आज। हड्डियाँ तो आज हल्क की टूटेगी, हल्क ने गलत पंगा ले लिया है। मुझसे लड़ना कोई इतना आसान काम नहीं है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। अरे हल्क मैं तो बोलता हूँ इसके पीछे का पर्दा पकड़ के फाड़ दो। ये हल्क के हाथ में आ गया है, अब मरेगा। ये ले, देखा हल्क से पंगा लेने का नतीजा। अरे हल्क ये तुमने क्या कर दिया, कहीं ये मर तो नहीं गया ना। हल्क को पता नहीं, हल्क को गुस्सा आ गया था। अरे रखवाले भैया जल्दी से उठो, अभी तो इतनी बड़ी बड़ी छोड़ रहे थे, अभी मरियल माफी क्यों पड़े हो। ऐसा करोगे तो खुद को रखवाला कैसे बोलोगे, जल्दी से उठो। अरे यार तुम में तो सच्ची में बहुत ताकत है, मैं मान गया कि तुम इसके काबिल हो। अरे वो तो हम बचपन से ही है। बच्चे तुम अभी भी बचपन में ही हो। अरे अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं, मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा। अच्छा रखवाले भैया एक बात तो बताओ, वो ड्रैगन कौन से डायमेंशन में गए हैं। न्यूक्लियर ड्रैगन माइनक्राफ्ट के डायमेंशन में चले गए हैं और वहाँ पर वो एल्डर ड्रैगन के नाम से जाने जाते हैं। अरे वाह क्या बात है। शिनचैन जल्दी जल्दी चलो, संभल के रहना, माइनक्राफ्ट की दुनिया इस दुनिया जैसी नहीं है, वो बहुत ही अलग है। अरे कोई बात नहीं, हम भी तो बहुत अलग है। हाँ खैर वो बात तो है, चलो गाइस फिर जल्दी से चलते हैं। वाह क्या बात है, आखिर में ये दोनों ड्रैगन हमारे पास है। मैंने तो इस ड्रैगन के लिए पूरे जंगल को उथल पुथल कर दिया, जितने लोग सामने आए सबको मार दिया है, इससे हमारा खौफ भी बना रहेगा और अवेंजर के हाथ कुछ नहीं लगेगा। मैं तो इस ड्रैगन को अवेंजर के सामने से उठा लाया और वो लोग बस देखते रह गए, इससे ज्यादा मजा मुझे आज तक नहीं आया। अब बॉस हमसे बहुत खुश होंगे। बॉस के आते ही हम ये विधि शुरू कर देंगे और ये प्रक्रिया खत्म होने के बाद दुनिया में हमसे ताकतवर कोई नहीं होगा। सबको बॉस की जय जयकार करनी पड़ेगी और दुनिया में सिर्फ अंधकार ही अंधकार होगा। हम ये विधि कब शुरू करेंगे। जब तक सारे एलिमेंट हमारे पास नहीं आ जाते। दो ड्रैगन तो हमारे पास आ गए हैं, बस एक की कमी है। पता नहीं बॉस के आने से पहले वो हमारे पास आएगा या नहीं। मैं भी वही सोच रहा हूँ, पता नहीं ये सिलेंडर मैन का बच्चा कहाँ पर रह गया। अले बापले, ये लोग तो इसके अंदर गए और गायब हो गए। अब इसके अंदर जाने के लिए मेरे को भी इसको हलाना पड़ेगा। मैं तो बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ। इसको हलाने जाऊंगा तो भी माल खाऊंगा और अगर खाली हाथ गया तो उधर बहुत भी मालेंगे। क्या तलू कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी तो तोड़ता हूँ या नौकली थोल दू, पर मेरे को तो इसके तिवा कुछ आता भी नहीं है। हे तैतान प्लीज मेरी मदद कर। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, पता नहीं आगे और क्या क्या होने वाला है। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और वो घंटी वाला आइकन दबा दो, क्योंकि आगे इससे भी ज्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए अपन गोल रखते हैं 60,000 लाइक का, जो मुझे पता है आप लोग कर दोगे। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।